आप इधर आओ, थोड़ा पीछे आओ यार। ज्वाइंट टीम के रूप में जो डीएम सर की डायरेक्शन है उसके क्रम में जितना भी इनक्रोचमेंट चिन्हित किया गया है और उसको प्रॉपर एक सामंजस्य से उसको हटाया जा रहा है। जहाँ पे व्यापारियों की बात उचित है उसको सुना भी जा रहा है, बट जहाँ पे इनक्रोचमेंट है सड़कों पे या रास्ते में उसको प्रॉपरली और फोर्सफुली हटाया जा रहा है। सलील के हटने के बाद फिर ना लगे दोबारा से क्या प्रबंधन है? नहीं नहीं, देखिए उसको प्रॉपरली जो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे दोबारा इनक्रोचमेंट हो रहा है जैसे कि रोड़ी बिल वाला है वहाँ पे पूरा फेंसिंग करके उसको कवर करवाया जा रहा है और इन फ्यूचर में मार्केट के अंदर इनक्रोचमेंट ना हो, मार्केट जो सड़कें हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध रहें चलने के लिए, तो उसके लिए पुलिस की एक टीम भी गठित की जा रही है जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। प्रॉपर अगर व्यक्ति कोई इनक्रोचमेंट करता है तो पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रही है और पब्लिक के सहयोग से की जा रही है और जो एज पर लॉ है उसको किया जाएगा। सर, इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो पहले निशानदेही भी पहले से ही हो जाते हैं कि भाई कहाँ पर अतिक्रमण है, क्या इस तरह पहले से यहाँ पे नहीं? इसमें ऑलरेडी प्रॉपर अनाउंसमेंट किया गया है, प्रॉपर चिन्हीकरण किया जा चुका है और कई बार मीटिंगें हो चुकी है, तो जो भी चीज़ है एज पर लॉक की जा रही है। किसी तरह का कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, लोगों का जो अच्छे सुझाव है उसका स्वागत है और जो चीज़ें गलत है उसको एज पर लॉक किया जाएगा। देखिए व्यापारियों का कोई अतिक्रमण नहीं है, वो डिस्प्ले के लिए एक आधी बेंच लगाता है, निश्चित रूप से वो हर तरह का सहयोग करने को तैयार है क्योंकि ये शहर भी हमारा है और स्वच्छता सुंदरता रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो जो व्यापारियों हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, जो जितने भी यात्रियों के एंट्रेंस रस्ते हैं सब जगह अवैध सरकारी सरकारी ज़मीनों पे जो दुकानें लग गई हैं उसको हटाने का हमने उनसे आग्रह किया था जिसको प्रशासन ने माना। और जहाँ तक यहाँ के व्यापारियों का सवाल है, वो पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त रखना चाहते हैं शहर को और उसमें प्रशासन का सहयोग भी करना चाहते हैं।